सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 11 दिन बाद एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और इसे बीजेपी की चालबाजी बताया। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासियों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव सपा को मंजूर नहीं है। एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण के फैसले पर अखिलेश यादव की अचानक सक्रियता से यूपी के सियासी गलियारों में सवाल भी उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में अखिलेश यादव ने आरक्षण को प्राणवायु और संजीवनी बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि समाज का विघटन। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पार्टी नहीं जा सकती। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण को सशक्त बनाने की जरूरत है, ना कि इसके प्रावधानों में बदलाव करने की। सपा सुप्रीमो ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। ये मुद्दा जब विकराल हो जाता है तो दिखावटी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती है। अपने पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। वहीं बीते दिनों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एससी एसटी आरक्षण को लेकर सपा और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाया था। मायावती ने कहा था कि जो लोग संविधान बचाओ के नाम पर लोगों से वोट ले रहे हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप हैं। दलित समुदाय के लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। मायावती ने एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण मामले में कपिल सिब्बल के पेश होने को लेकर भी अखिलेश यादव को घेरा। मायावती ने कहा कि जिन्हें सपा के मुखिया ने राज्यसभा भेजा है, वो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ दलील दे रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 21% है। इनमें सबसे ज्यादा जाटव है, जिसकी आबादी तकरीबन 11% है। इसके अलावा पासी करीब 3.5%, कोरी करीब 1%, धोबी करीब 1 और खटिक, धनगर, बाल्मीकि समेत अन्य जातियां 4.5% है। राज्य में लोकसभा की 17 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। ये कुल 80 सीटों के करीब 21% है। बात अगर विधानसभा की करें तो दलितों के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये भी कुल 403 सीटों का 21% है। 2022 हार के बाद अखिलेश यादव ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया, जिसको पीडीए का नाम दिया गया। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला हिट रहा। इंडिया गठबंधन को सुरक्षित 17 सीटों में से 8 सीटों पर जीत मिली। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को जाटव समुदाय के 25% और नॉन जाटव दलितों के 56% वोट मिले। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन को जाटव समुदाय के 24 और नॉन जाट दलित के 29% वोट मिले। मायावती को जाटव बरादरी का 44% वोट मिला, तो लेकिन नॉन जाटव दलित को मायावती साथ नहीं पाए। इस समुदाय के सिर्फ 15% वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश की खाली 10 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर नवंबर में उपचुनाव प्रस्तावित हैं, जिसमें 5 सीटें अभी एनडीए गठबंधन और 5 इंडिया गठबंधन के पास हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 2 सीटें मिल्कीपुर और खैर सीट एससी कोटे के लिए रिजर्व है। वहीं कटिहरी, मजवा, फूलपुर और करहल सीट पर दलित जीत को हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोकसभा में मिली सफलता को अखिलेश यादव इन उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। यही वजह है कि अखिलेश दलितों पर वही स्टैंड ले रहे हैं जो मायावती ने लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मायावती इस आरक्षण का मुद्दा उठाकर यूपी में खोई हुई सियासी जमीन हासिल कर पाएंगे।